प्राइम इंपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सोनभद्र के लोगों ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का किया दिलो दिल से स्वागत। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काफी वर्गों से लोगों ने स्वागत किया। रॉबर्ट्सगंज समेत अन्य जगहों पर सभी वर्ग के लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आपसी सौहार्द का परिचय दिया। सभी ने कोर्ट के फैसले की सराहना की। रॉबर्ट्सगंज के पूरब मोहल्ला में स्थित नई मस्जिद के पास सभी वर्ग के लोगों ने मिठाई बांट कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे भी लगाए गए। मिष्ठान वितरण में भाजपा अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष अजित रावत, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद खां, हिदायत उल्लाह खां, मुर्तजा अंसारी, फरीद खां, प्रेम चौबे, अनिल सिंह, दानिश खां, मंटू खां सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो उस फैसले के अंतर्गत हम और हमारे बड़े भाई लोग यहाँ पर मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भीड़ उपस्थित होने वाली अभी थोड़ी देर में, इस वजह से यहाँ सुरक्षा के तहत हम लोग खड़े हैं। जो भी फैसला आएगा, किसी के भी पक्ष में आएगा, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। जमनी जमनी तहजीब है उसको कायम रखने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और अमन का पैगाम देना चाहते हैं। जो भी फैसला आए, हिंदुस्तान की जनता अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, देश को अमन चैन बहाली के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न घटे। कहाँ पर खड़े हैं आप लोग? हम लोग यहाँ राम जानकी मंदिर और संकट मोचन मंदिर है, जो कि यहाँ का शनिवार का दिन है। यहाँ भीड़ अभी बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। रावरचंद, आप लोग मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, फैसला आने वाला है, क्या आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या राम मंदिर पर फैसला आने वाला है और हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाई यह संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को, पूरे विश्व को, कि हम सब एक हैं। और जिस प्रकार से हिंदू भाई मस्जिद की सुरक्षा में लगे हुए हैं और मुस्लिम भाई मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम यह ऐसा करना चाहते हैं कि कोई विरोधी ताकतें हम पर कोई ऐसा न हो और हम लोग सब एक हैं और पूरी तन मन धन से लग के मस्जिद और मंदिर की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।